जय हिंद किसान साथियों, आप देख सकते हैं आज हमारे इस खेत में लहसुन में जो चिप्स या जो सफ़ेद मक्खी वाला रोग बोल सकते हैं जिसे, वो आ चुका है। तो आज हम इसकी रोकथाम के लिए आज कीटनाशक का उपयोग करेंगे ताकि इस सफ़ेद मक्खी या जो चिप्स वाला रोग है उसको दूर किया जा सके, और जो भी अगर आगे जो भी रोग आता है वो दूर हो सके। इसके पीलेपन को या इसमें जो जो रोग आ चुका है आप देख सकते हैं, ये पीलापन पे आ चुके हैं। आज इसकी रोकथाम के लिए आज हम इस पे जो दवा या जो कीटनाशक का उपयोग करेंगे आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। आज हम इस पे लगभग आज हम ऐसी दवा का उपयोग कर रहे हैं जो कि इस पे पूर्णतः जो कि सफ़ेद मक्खी या जो चिप्स वाला रोग है उसकी पूर्णतः रोकथाम की जा सके। आप देख सकते हैं ये प्रोफिका 404 है, और इसमें आप देख सकते हैं प्रोफिनोफोस 40% और साइपरामेथिन 4% है, जो कि पूर्णतः इस सफ़ेद मक्खी वाले रोग को दूर किया जा सकता है। आप इसे चना, कपास, सोयाबीन और लहसुन और अन्य फसलों पर भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, और आपको अगर जब भी आप ये छिड़के तो आप अपने सावधानी पूर्ण रूप से रखें, और जो मुंह पे आप मास्क का या हाथों में ग्लव्स का उपयोग करें ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपको कोई भी हानि ना हो। आप इस प्रोफिका 404 के साथ आप ये एक पाउडर का और उपयोग कर सकते हैं ताकि इसमें जो जो इसके पत्ते जो मुड़ रहे हैं वो भी सही से हो जाए। आप देख सकते हैं ये इसमें एक रोग और आ चुका है, ये इसमें ये पत्ते से ये पत्ते मुड़ने चालू हो गए। आप देख सकते हैं ये पत्ते मुड़ रहे हैं। इस रोग को भी दूर करने के लिए आज हम इस पे एक दवा और का छिड़काव करेंगे, हिमालय स्ट्रॉन्ग एसीफेट 75%। इस कीटनाशक का उपयोग भी आप जो माहू कीटों की रोकथाम के लिए भी कर सकते हैं, या जो इसमें जो पत्ते जो घूम के घूमने घुमावदार जैसे हो रही है आप देख सकते हैं, ये आप इनको भी दूर कर सकते हैं ताकि फसल आपकी लहसुन की भी अच्छी होगी और जो चिप्स भी हैं वो भी दूर हो जाएंगे। आज हम इसका छिड़काव करेंगे। आज हमारी लहसुन की फसल लगभग 45 से 50 दिन की होने को आई है। आप देख सकते हैं अभी लहसुन की स्थिति तो ठीक है, लेकिन जो अभी चिप्स की रोकथाम के लिए आज हम इस पे दवाइयों का छिड़काव करेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें पत्ते पीले पड़ने चालू हो चुके हैं, तो आज इसकी रोकथाम के लिए आज हम पे इस पे ये प्रोफिका 404 का उपयोग करेंगे। ये लगभग जो अभी मैं दवाई का उपयोग कर रहा हूँ ये अभी 100 ml है, 100 ml यानी कि ये 3 टंकी की आप दवा इस का छिड़काव कर सकते हैं इससे, ताकि ये जो चिप्स हैं या जो इसमें पीलेपन का रोग है वो दूर हो सके। धन्यवाद, आप ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें और हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।